एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी एक ऐसा कॉलेज जो आपको 5 से 6 दिन के अंदर ही आपका एडमिट दे देता है, एंड जिसकी एडमिशन रेट जो है वो 86% के अंदर, यानी कि जो मोस्टली बच्चे वहाँ पे जा रहे, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो यूएस सिटीजन हो, उनका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। तो यानी इस चीज के अंदर ही आपका काफी अच्छा सक्सेसफुल निकल के आता है। आइए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में और ज्यादा चीजें। सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी की जो मेन चीज होती है वो होती है उसकी रैंक। तो इसकी रैंक जो है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से देखी हुई है 216, जो पिछले काफी वक्त से काफी अच्छे से इंप्रूव कर रही है। जैसे ग्राफ में आपको दिख रहा है, शुरू में ये नीचे थी लेकिन अब पिछले कुछ वक्त से ये ऊपर जा रही है। एंड इसका जो कैंपस है वो 660 एकड़ का, जो 1885 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो यानी जो कॉलेज है ये एकदम नया कॉलेज नहीं है, एंड इन सब चीजों के ऊपर हम इसे देख के इसे 10 में से 7 नंबर जरूर दे सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ तो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ अगर आप इसके अंदर आप देखें तो इसमें 5 कैंपसेज आपको मिलते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जो टैम्पे का है, जो मेन कैंपस है इनका, वहाँ पे लेना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो टैम्पे का कैंपस है वो काफी ज्यादा अच्छा माना गया है बाकी सभी कैंपसेज से एरिजोना के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसके कैंपस के हिसाब से एंड इसकी पब्लिक यूनिवर्सिटी होने के ऊपर मैं 10 में से 4 नंबर दूंगा। मैंने इतना लो स्कोर क्यों दिया है वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा, क्योंकि इसका कैंपस है वो इतना ज्यादा भी अच्छा आपको नहीं मिलेगा बाकी यूनिवर्सिटी जैसी होती है, एंड साथ में जो लोकेशन फैक्टर भी होता है कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन जाएगा। आगे अगर हम बात करें इसके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की, तो यहाँ पे देखा गया कि एक्सेप्टेंस रेट यहाँ पे 86% है, उसका काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ तो इसको अंदर आपको चीजें चाहिए रहेगी वो बाकी यूएस कॉलेजेस से कम है। जैसे यहाँ पे आपको एक एसओपी तो देनी देनी है, उसके साथ आप एसे ट्रांसक्रिप्ट एंड साथ ही साथ आपको रिकमेंडेशन लेटर देना है, एंड एक आखिरी चीज जो आपके साथ जाएगी वो है कॉमन ऐप। कॉमन ऐप क्या चीज है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप उसे जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं कॉमन ऐप के बारे में जानने के लिए। आगे अगर मैं बात करूँ इसके एसईटी मार्क्स के ऊपर कि कितने एसईटी के स्कोर के ऊपर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, तो देखा गया कि 1300 से कम अगर आपका स्कोर होता है तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके एडमिशन डेडलाइन के बारे में, तो 1 नवंबर जो होती है वो स्प्रिंग सेमेस्टर की डेडलाइन होती है, जो 1 मई होती है आपकी वो आपकी फॉल सेमेस्टर की डेडलाइन होती है, जो काफी ज्यादा अच्छी, क्योंकि फॉल सेमेस्टर की डेडलाइन कई लोगों की 1 नवंबर के अंदर ही खत्म हो जाती है, एंड इसकी 1 नवंबर को स्प्रिंग सेमेस्टर की डेडलाइन है, जो आपके लिए काफी प्लस पॉइंट हो सकता है। साथ ही साथ अगर बात करूँ इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो वो है $70। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो $70 का जो फी वेवर था वो मुझे नहीं मिला था, क्योंकि मैंने इनसे पूछा ही नहीं था, लेकिन आप इनसे पूछ के जरूर देख सकते हैं कि आपको फी वेवर मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड वो फी वेवर आपको कैसे मांगना है उसकी वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप उसको भी जाके इस वीडियो के बाद जरूर चेक कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के अंदर हम इसके 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि जो इसका प्रोसेस है वो काफी ज्यादा आसान है, काफी सारी चीजें आपसे नहीं मांग रहे, और काफी ज्यादा आपको मौके देता है कि अगर आप बाद में भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें तब भी आपका यहाँ पे बहुत आराम से हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं इसके एलुमनाई सेक्शन के बारे में, इसमें एलुमनाई कौन कौन है, तो 4 फेमस यहाँ के एलुमनाई है, वो है लिंडा कार्टर जो आपको पुरानी वंडर वुमन के अंदर दिखी होगी, साथ में जिमी कैमिल जिनके बारे में आपने काफी ज्यादा सुन रखा है वो भी यहीं के पास आउट है, और अगर मैं और बात करूँ बिजनेस सेक्टर की तो टेड सेरेंडोस यानी CCO जो नेटफ्लिक्स का है वो भी यहीं के पास आउट है, और एक लास्ट अगर मैं बात करूँ पॉलिटिक्स के अंदर तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जिसके बारे में अपने कोविड टाइम्स में काफी ज्यादा सुना हुआ है जैकिंडा आर्डर्न भी यहीं की पास आउट है। तो इसके एलुमनाई बेस के ऊपर हम इसे 10 में से 6 नंबर देंगे, क्योंकि ये 4 एलुमनाई तो आपको यहाँ पे अच्छे मिलेंगे लेकिन बाकी एलुमनाई के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते होंगे, इसलिए उसका कंप्लीट एलुमनाई बेस है इसको मैं 10 में से 6 नंबर देना चाहूंगा। आगे अगले जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है फीस एंड स्कॉलरशिप का। तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट की या बैचलर्स के लिए फीस भरनी पड़ेगी, वो होगी $50,000 यानी कि लगभग 40 लाख रुपए एक साल के, जो काफी ज्यादा कॉस्ट पड़ता है एक यूनिवर्सिटी को अटेंड करने का। और अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएट प्रोग्राम की तो वो फीस कट के हो जाती है $45,000 की, यानी कि लगभग 35 लाख रुपीज के आसपास आपको एक साल के लिए पे करना पड़ेगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन स्कॉलरशिप की वजह से अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो फीस आपकी कट के 50,000 से लेकर $20,000-30,000 की आ सकती है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके बजट में ला सकता है, लेकिन स्टिल ये यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा कॉस्टली है बाकी सब यूनिवर्सिटी से, और ऑल्सो यहाँ पे आपको 100% स्कॉलरशिप देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, इसलिए इसके जो नंबर है मैं यहाँ पे इसे 10 में से सिर्फ 4 नंबर ही देना चाहूंगा। और अगर हम बात करें ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर की, ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर क्या चीज है, तो $115 की आपको जो एप्लीकेशन फीस की फीस होगी वो आपको भरनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आपकी डेडलाइन की बात करें तो आपकी 1 सितंबर की होने वाली है, तो 1 सितंबर के अंदर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, जिसकी जो कॉस्ट है वो $115 पड़ने वाली है। लेकिन अब बात करते हैं इसकी कुछ अच्छी बातों के बारे में। तो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की जो पहली अच्छी बात दिखी गई है वो देखी गई है नासा के साथ कनेक्शन। काफी ज्यादा जगह पे देखा गया कि नासा अलग से स्कॉलरशिप वगैरह या अलग अलग प्रोग्राम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में देती है, जिसकी वजह से नासा के साथ जो उसका कनेक्शन होता है वो काफी ज्यादा अच्छा निकल के आता है। सबसे अगर बात करूँ तो ये आपका सबसे बेहतरीन सेफ स्कूल हो सकता है बाकी सभी यूनिवर्सिटी से कंपेयर में, क्योंकि जो इसकी रैंक है वो काफी डिसेंट है, फीस भले इसकी ज्यादा है लेकिन आपको इसमें चीजें कम चाहिए। एंड अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसे पार्टी स्कूल की तरह ज्यादा माना जाता है, और यहाँ पे जो आपको पार्टी कल्चर है वो काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ तो यहाँ पे जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है वो भी अच्छी है, जो यहाँ पे रिसर्च करना चाहता है उनके लिए भी स्कूल काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। एंड अगली बात करूँ
तो वो है इसके कम मार्क्स। कम मार्क्स के अंदर भी आपको ये यूनिवर्सिटी में देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर की, तो बाकी सभी यूएस यूनिवर्सिटी से यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर कहीं ना कहीं कम देखे गए कि यहाँ पे इतने ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं चाहिए और यहाँ पे एडमिशन लेना इतना टफ नहीं होने वाला है। और एक्स्ट्रा करिकुलर से मुझे याद आया हमारे आज की वीडियो के स्पॉन्सर नटशेल के बारे में। नटशेल एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिनपे ज्यादातर एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियो बनाते हैं एंड यहाँ पे ज्यादातर एक्टिंग, डायरेक्शन, स्टोरी राइटिंग, एडिटिंग, कैमरा मूवमेंट, सब चीजों से रिलेटेड आपको चीजें कराते हैं। यहाँ पे जो एंट्री बैरियर्स है वो बिल्कुल कम है और यहाँ पे जो वेब डेवलपमेंट कोडिंग के लिए कोई बच्चा जाना चाहता है वो भी जा सकता है क्योंकि ये अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी पर्सनली यहाँ पे आके कुछ कुछ वीडियो में एक्टिंग वगैरह कुछ कुछ वीडियो में इनके लिए काम किया है और जो मेरा पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस है वो इनके साथ काफी ज्यादा अच्छा रहा है। तो इसी नटशेल के आपको जो YouTube लिंक है वो नीचे मिल जाएगा और साथ में आपको डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो प्लीज उनको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए अगर आपको कुछ अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर चाहिए। अगर हम बात करें अगली चीज के बारे में कि यार इसकी बैड थिंग्स क्या है, तो बैड थिंग्स इसमें काफी ज्यादा ये देखी गई है कि इसके जो रिव्यूज देखे गए हैं वो सारे अनसर्टेन है। कई जगह पे इसके रिव्यूज काफी अच्छे बताए गए हैं तो कई जगह इसके रिव्यूज काफी बेकार बताए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी एक्चुअल रेटिंग्स है एंड एक्चुअल जो इसकी थिंकिंग है वो हमें अभी तक पता नहीं चल पाई है। तो कहीं ना कहीं जो इसके रिव्यूज वगैरह कई बार बायस्ड हो सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं बाद में आके दिक्कत आ सकती है। दूसरी अगर हम बात करें इसकी तो वो है इसकी रेपुटेशन के बारे में। तो इसकी रेपुटेशन है वो इतनी ज्यादा मार्केट में स्ट्रांग नहीं है। कुछ कुछ लोग कहते हैं इसकी रेपुटेशन काफी अच्छी है, बट अगेन जैसा मैंने कहा कि इसकी रेपुटेशन के बारे में इतनी ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है एंड इसकी जो रैंक भी आती है वो बाकी सभी यूनिवर्सिटी से आपको देख के जाए तो 200 के बाहर मिलती है, जो कहीं ना कहीं एक सेफ स्कूल के लिए अच्छी है, बट आपके लिए अगर आपको मेन यूनिवर्सिटी में जाना है तो शायद उसके लिए आपका पहले प्रेफरेंस ना हो। अगर अगली बुरी बात की बात करता हूँ तो वो है इसकी हाई फीस। इसकी हाई फीस बाकी सभी यूएस यूनिवर्सिटी से देखी गई है कि थोड़ी ज्यादा है एंड यहाँ पे स्कॉलरशिप के मिलने के चांसेस जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होते हैं। तो ये देख कर हम पता लगता है कि एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने के लिए जरूर मिलेगी। साथ में जो उसका पार्टिंग एनवायरमेंट है, जो पार्टी वाला एनवायरमेंट है, जो इसकी लोकेशन है, वो भी एक ऐसा फैक्टर आपके लिए बन सकता है जो कहीं ना कहीं आपको इस यूनिवर्सिटी में बेकार लगने वाली है। तो फाइनल मेरा वर्डिक्ट क्या होने वाला, आपको क्या ये यूनिवर्सिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो मैं कहूंगा इस यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है जो आपको 5 से 6 दिन के अंदर आपको एडमिशन दे देगी। जैसे इसने मेरे को दे दिया था, आप इसके अंदर काफी आराम से एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस रेट इतना ज्यादा है एंड इसमें रिक्वायरमेंट्स इतनी कम है कि आप इसको एक सेफ स्कूल की तरह जरूर लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे ओवरऑल रैंक की बात करूं तो इसकी जो ओवरऑल रैंकिंग बनती है हर चीज के हिसाब से वो आती है 6 out of 10, यानी कि एक एवरेज यूनिवर्सिटी होने वाली है कोई भी चीज के अंदर। एंड एक एवरेज यूनिवर्सिटी में आप देखें तो आप इसे सेफ स्कूल की तरह ही ले सकते हैं, एक मेन यूनिवर्सिटी की तरह नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बाकी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रिव्यू की प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी एंड जो मेरी पिछली कुछ प्रीवियस वीडियोस है आप वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप नटशेल को जरूर फॉलो करना एंड वहाँ पे जाके आप जरूर उनको सब्सक्राइब करके बताना कि आपको उनकी वीडियोस कैसी लगती है ना, आप किस तरीके से उसमें काम करना चाहते हैं।